हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, जिनकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नजर आती है। फिर हम सोचते हैं कि हम जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो शैम्पू बेकार है, कंडीशनर बेकार है, या तो जो DIY रेमेडी बताई थी वो रेमेडी बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसी टिप्स जिनसे आप अपने बालों का टूटना रोक सकते हैं और आप अपने बालों को डबल तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो टिप्स क्या है। हम क्या करते हैं ना कि अगर किसी के बाल अच्छे हैं तो वो कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं वो उनसे पूछ लेते हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट में जो शैम्पू दिखाते हैं ना वो खरीद के ले आते हैं, फिर वो अपने बालों पे अप्लाई कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारे बाल भी ऐसे हो जाएंगे। फिर ऐसा जब नहीं होता है तो हम सोचते हैं ये सारा गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि सबकी हेयर क्वालिटी अलग अलग रहती है, सबकी स्कैल्प प्रॉब्लम अलग रहती है। अगर ड्राई हेयर के लिए जो शैम्पू बनाए वो आप अपने ऑयली बालों पे अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, उल्टा आपके बाल गिरने लगेंगे। या तो ऑयली बालों के लिए जो शैम्पू है वो अगर आप ड्राई बालों में यूज करेंगे तो भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। सोचते हैं ना कि हम ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम भर भर के शैम्पू यूज करते हैं, इतना सारा बालों में शैम्पू लगा देते हैं, या तो ऑयलिंग करते हैं तो इतना सारा ऑयल बालों में लगा देते हैं, जिनकी वजह से हमारे हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी लेंथ के हिसाब से शैम्पू यूज करना है, या तो आपके बाल कितने डर्टी है वो देखना है, उसके हिसाब से आपको शैम्पू या ऑयल को यूज करना है। जरूरत से ज्यादा शैम्पू यूज करने से हमारे बाल एकदम ड्राई एवं बेजान हो जाते हैं, इसलिए अपने बालों के हिसाब से ही शैम्पू का यूज करें। कई लोग क्या करते हैं ना, जो कंडीशनर होती है ना वो अपने स्कैल्प पे भी लगाते हैं, लेकिन कोई कोई कंडीशनर ऐसा रहता है जिनको हम अपनी स्कैल्प पे लगा सकते हैं। 10 में से 9 कंडीशनर ऐसे रहते हैं जिनको हमें सिर्फ अपने बालों की लेंथ पे ही लगाना है, उसको अपनी स्कैल्प पे नहीं लगाना है। इनकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं। तो ये खास याद रखें, कभी भी कंडीशनर को अपनी स्कैल्प पे ना लगाएं, सिर्फ अपनी जड़ों पे ही लगाएं। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना कि अगर अपने बालों में शैम्पू करते हैं ना तो उसको अपने नाखून से स्क्रेच करके एकदम बालों को वॉश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम कभी फेस वॉश के अपने बालों पे नाखून खुजा के ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो बालों में भी ऐसा नहीं करना है, बालों को सिर्फ अपने फिंगर से हल्के हाथों से बालों को वॉश करना है, उसमें अपने बालों से स्क्रेच नहीं करना है, क्योंकि उनकी वजह से बालों की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिनकी वजह से आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही आपके बाल ज्यादा मात्रा में झड़ने लगते हैं। सर्दी के दिनों में कई लोग गर्म पानी से अपने बाल को वॉश करते हैं, जिनकी वजह से भी ज्यादा मात्रा में हेयर फॉल होने लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ज्यादा ठंडी की वजह से हम अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश नहीं कर सकते हैं, तो हमें ल्यूक वार्म वाटर से अपने बालों को वॉश करना है। जब आप अपने बालों को ल्यूक वार्म वाटर से यानी कि हल्का सा गर्म पानी से पहले वॉश कर लीजिए, फिर आप उस पे थोड़ा सा ठंडा पानी अपने बालों पे डाल दीजिए, तो भी आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हो सके तो आप अपने बालों को ठंडे पानी से ही धोएं। अपने बालों को वॉश करने से पहले हम उसमें प्री हेयर वॉश ट्रीटमेंट करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बालों में ऑयलिंग करना है। हम अपने बालों में ऑयलिंग करके फिर हेयर वॉश करेंगे ना तो हमारे बाल ज्यादा मात्रा में टूटेंगे नहीं, साथ ही आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, दो मुहे नहीं होंगे और ड्राई नहीं होंगे। बिना ऑयलिंग के अपने बालों को हेयर वॉश करेंगे ना तो आपके बाल बेजान रूखे और एकदम पतले हो जाएंगे। क्या करते हैं ना, जब भी अपने बालों को वॉश करते हैं ना तो फटाफट से अपने बाल को शैम्पू कर लिया और आगे अपने बाल को पोंछ दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम अपने बालों में शैम्पू करें या तो कंडीशनर करें तो उसे और अच्छे से पानी से उसे वॉश करें, क्योंकि कंडीशनर होता है ना वो जल्दी से बालों में से नहीं निकलता, इसलिए उसे ज्यादा पानी से धोए, फिर अपने बालों को ड्रायर की बजाय नॉर्मली सूखने दे। जब भी आप अपने बालों को वॉश करें तो उसमें कोई DIY सीरम लगाए या तो एलोवेरा जेल लगाए, जिससे भी आपके बाल डैमेज नहीं होंगे और ड्राई नहीं होंगे। तो ये थी कुछ आसान सी एक्सट्रीम हेयर फॉल टिप्स। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपकी हेयर फॉल का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।